मैं तेरा वस्त्र हरण कर दूंगा। ए, उतार इसके कपड़े। छोड़ो। ए, कौन हो तुम? जय भारत माँ, जय जननी। ये है भारत माता का सपूत, परमवीर योद्धा। नारी का अपमान करने वाले तुम जैसे लोगों की मौत। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का सम्मान करने वाला अंजनी पुत्र, वक्रतुंड महाकाय, प्रथम गण मैं उसका दास। प्रसन्न हुआ तो मिलेगा वर, नहीं तो बनो मेरे दास। महिलाओं को छेड़ना छोड़ दो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लो तो बच जाओगे, वरना ज्यादा अगर नखरे किए तुमने तो तुम्हें नरसिंह अवतार दिखा दूंगा। सुना है कभी नरसिंह के बारे में? ए, बकवास बंद कर, तेरे जैसे भौंकने वाले बहुत देखे हैं, आंखें मत दिखा। ए, उठाओ छोकरी को। क्या हुआ? ब्रेक लगाया। मैंने तुमसे कहा था ना कि पूछे बगैर ब्रेक मत लगाना। भैया, क्या बात है? कोई तो एक लड़का है जो तुम्हारी ओपोजिशन पार्टी के तिवारी का बेटा जो है, उसकी बड़े जमकर पिटाई कर रहा है। अच्छा, तेरे किए हुए बुरे कामों को इसे पेपर में नहीं लिखना चाहिए था। तूने क्या कोई विधानसभा बनवाया है या कोई बांध बनवाया है? बड़े बड़े 30 मार्का खामोश है यहाँ पर, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? औरतों को धमका कर जीने वाले तुझ जैसे कमीने की अगर इतनी हिम्मत है तो औरों को अपना समझ कर उनकी रक्षा कर। तुम्हारा बाप तुम जैसे बेटे की देखभाल नहीं कर सकता है तो वो इस देश की और इस देश की जनता की क्या देखभाल करेगा? बाप तक मत जाना, अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे बाप को रास्ते पर आना होगा। ए,
मेरे पिता गोल्ड हैं, गोल्ड देवता की तरह है वो, तुम्हारे बाप की तरह रोल गोल्ड नहीं है जो जिंदगी का मतलब भी नहीं समझता। मेरे पिता कवियों की कविताओं में झलकने वाले चरित्र की तरह है, महागाथाओं के पात्र है वो, संस्कृति की मिसाल है वो। दुनिया भर के लोगों ने हमेशा उनसे शिक्षा लेने की कोशिश की है, जाकर उनसे पूछो जो उनके सामने सर झुका कर बात करते हैं। तुम्हारे बाप पर तो लोग थूकते हैं, तुम उससे अलग कहां हो? आइंदा तुम इस लड़की के पीछे पड़े तो ठीक नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि दुनिया में कहीं भी तेरा इलाज नहीं हो पाएगा। चल उल्टा भाग। राजा भैया, ये कोई मामूली लड़का नहीं है। हाँ भैया, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, अगर ये लड़का हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो समझो हम इलेक्शन जीत गए। क्यों बाबे, तुम किसी इंटरव्यू की बात कर रही थी ना, देर नहीं हो रही है क्या? सोचती हूँ आज तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं। देखो मैडम, पैसा देकर पब्लिसिटी पाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सॉरी। पैसों की बात नहीं है, तुम एक हमदर्द इंसान हो, इसलिए थैंक्स के बदले एक छोटा सा तोहफा बस। ओहो देवी जी, आज के जमाने में हमदर्दी धन्यवाद जैसी बातें तो रही नहीं है, और तुम पुराने जमाने की बातें मत करो, मैं चलूं। अच्छा बताओ रहते कहाँ हो? ऑफिस से सीधे वहीं आऊंगी। भारतीपुरा, यू आर अनंत मूर्ति पूछ लेना। धत अजीब आदमी है, मुसीबत में पड़ो तो मदद करता है, प्यार से साथ देने को कहो तो दूर भाग जाता है। मैं